बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, परम पूज्य गुरुजी एक साथ श्री दीनदयाल महाराज की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, वंदो सते गुरु चरण को करूं प्रेम पर नाम, अशुभ हरण मंगल करणा श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज करी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शेष, दास जाने दया करो बुद्धि दियो बख्शीश, बुद्धि दियो बख्शीश, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महाराणी की जय। आप सभी सुंदर साथ जी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, गुरुवार का दिन सतगुरु का आशीर्वाद और आप सभी प्यारे लाडले धर्मप्राण सुंदर साथ जी का संग पा करके चितवनी के इस सेशन के अंदर बहुत ही आनंद हम लेते आ रहे हैं, और इन सभी के संयोजक के रूप में भाई हर्ष प्रणामी जी को हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हर सप्ताह के अंदर अलग अलग भजन गाने के लिए जो हमारे साथ में सुंदर साथ मौजूद होते हैं, इनकी तो बात ही निराली है। जैसे आज अर्श अजीम जो सर्वोत्तम परम धाम की साहिबी का वर्णन करने वाले इस सुंदर भजन को बहन सलोनी प्रणामी जी ने प्रस्तुत किया, आपको भी हृदय से हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्यारी सुंदर साह जी, श्री परमधाम की इस चितुनी के अंदर जो पहली परिक्रमा हम लगाते हैं श्री रंग महल को, तो उसमें हमने चहुदिश के सारे दृश्यों को बाग बगीचों को देख करके पूर्व दिशा के अंदर जो सात घाट आए हुए हैं इनका जो मूल प्राथमिक परिचय होता है उसे हमने पाया है, लेकिन इन वनों का इन सात घाटों का जो विस्तार है वो अत्यंत विशाल है। आप कल्पना करके देखिए तो श्री रंग महल से लेकर के 3000 मंदिर अथवा 3 लाख कोश तक लंबाई में देखा जाए, अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ 3000 मंदिर 3 लाख कोश तक ये सात घाट का विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखने जाओ तो सात घाट प्रत्येक घाट 500 मंदिर की चौड़ाई में होने से 3500 मंदिर अथवा 3.5 लाख कोश का विस्तार होता है। इतने सघन है वहां की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, और इतना ही नहीं जैसा श्री जमुना जी के इस तरफ परमधाम की तरफ है, इसी प्रकार श्री जमुना जी से लेकर अक्षरधाम की तरफ भी है, तो इतना सघन विस्तार हरियाली का वहां पर हम देखते हैं। यही सुंदर वर्णन चितुनी के माध्यम से हम अपने चित्त में धारण कर रहे हैं सुंदर साह जी। इसी मजल के अंतर्गत अब तक हमने जो चर्चा की वो श्री धाम दीवाल से लेकर के हम आ चुके हैं बंदिश की रोस, और इससे आगे जो बंदिश की रोस, पाल की रोस पाल,
इन सब का वर्णन आज के इस चितनी सेशन के अंदर हम देखेंगे और हम सभी इसे हृदयांगम भी करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब नक्शा आपके साथ में शेयर करती हूँ, आप इसे अपनी स्क्रीन के ऊपर में जूम कर तरीके उसके अंदर के जो चित्र हैं उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरसा जी, ये चित्र हम देख रहे हैं, ये जो आप बाहर की तरफ जो देख सकते हैं, ये जो बाहर की तरफ में आप देख सकते हैं, ये है जवेरों की नहर। तो इस चित्र के अंदर प्रायः जवेरों की नहर के भीतर में जो जितना विस्तार अपने को नजर आ रहा है वो ये है। रंग महल सबसे मध्य में है और रंग महल के बीच से लेकर के आप चाहे किसी भी दिशा में चले जाइए तो 13.5 लाख कोश की दूरी आपको मिलेगी। अब इस नक्शे को समझने के बाद में हम इसे थोड़ा जूम करके जो बीच की चीजें हैं इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर हम दर्शन कर पा रहे हैं अक्षरधाम और परमधाम का। जैसे ये परमधाम है और ये परमधाम और ये अक्षरधाम, इन दोनों के बीच में श्री जमुना जी का जल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। और साथ जी, यहाँ से धाम दीवार से लेके 2000 मंदिर तक तो हमने घाट का विस्तार देखा और किस तरह उसके अंदर में चौक बनते मंडप बनते हैं इसका वर्णन हमने श्रवण किया। लेकिन अब हम इस बंदिश की रोंस का वर्णन देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? बंदिश की रोंस। तो इस बंदिश की रोंस के अंदर में देखो, यहाँ तो बड़े वन के वृक्ष आए हुए हैं। ये बड़े वन के वृक्षों की 5 भौम हैं और 6 चांदनी बनी हुई है। ये रोंस की चौड़ाई ही 500 मंदिर की आती है, यानी आप पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा की तरफ जाइए तो 500 मंदिर की इस रोस की चौड़ाई हुई। अब यहाँ दोनों जो वृक्ष आए हुए हैं इन दोनों के बीच की दूरी भी 500 मंदिर की आती है। एवं हार कतार में देखिए, हार कतार किसे कहेंगे? जैसे ये उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे तो ये हार कतार कही जाएगी। ये हार कतार में एक से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी 250 मंदिर की कही गई है। इस प्रकार से 500 मंदिर यहाँ चौड़ाई के हिस्से के हुए और हार कतार में 250 मंदिर की दूरी हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 4 बड़े वन के वृक्षों के बीच में चौड़ाई में 500 मंदिर का अंतर है और यहाँ लंबाई में 250 मंदिर का अंतर होता है। इस प्रकार से इस बंदिश की रोस के ऊपर बड़े वन के वृक्ष 5 भौम और 6 चांदनी सुशोभ्यमान है। ये बंदिश की रोस, इसके विषय में थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ पर आपको दर्शन होगा कि ये पुखराज पहाड़ है और ये हौज कौसर तालाब है। तो बंदिश की रोस यानी कि जो सीमा को बद्ध करती है, सीमा को जो बांधती है, तो यहाँ पर इस बंदिश की रोस ने सीमा को बांधा। जिसे आप यहाँ पुखराज पहाड़ से लेकर के देखिए तो बंदिश की रोस ने सर्वत्र घेरा हुआ है यहाँ से लेकर के। तो मूल उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है जो कि पश्चिम दिशा के पश्चिम की घाटी जहाँ पर आती है, वहां से लेकर के बंदिश की रोस ने पूरे पुखराज पहाड़ को घेर रखा है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद
मूलकुंड से लेके जमुना जी का प्रवाह यहाँ शुरू होता है। यहाँ पर ये सारे प्रवाह को दोनों तरफ से इस बंदिश की रोस ने घेरा हुआ है। ये वाला ये बंदिश की रोस है। तो इस प्रकार से जमुना जी का प्रवाह मूलकुंड से शुरू होकर के सीधा यहाँ पहले तो आ गया पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण में आया है, और अब यहाँ से मरोड़ लेकर के जमुना जी जाती हैं कहाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। तो यहाँ पर अग्नि कोण आता है और यहाँ से पुनः मरोड़ खा करके हौजकोसर तालाब में जाके मिल जाती है। तो इसी बीच उनका जो जल प्रवाह है वो 18 लाख कोश का कहा गया है, 4.5 लाख कोश, 9 लाख कोश, 4.5 लाख कोश। तो ये तमाम जहाँ पर भी श्री जमुना जी का जल प्रवाह जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे ये बंदिश की रोस ने पूरी तरह से जमुना जी को घेर लिया है। इतना ही नहीं, हौजकोसर तालाब को भी यहाँ पर घेरा है। तो यदि आप देखें पुखराज से लेकर हौजकोसर तालाब तक पूरे में ये बंदिश की रोस दोनों तरफ से फिरी हुई है। एक तरफ ये हो गया सुंदरसा जी और दूसरी तरफ ये हुआ, इस प्रकार से है। तो अब ये पूरी बंदिश की रोस का विस्तार मैंने आपके समक्ष रखा, लेकिन प्राय इसकी जो चौड़ाई है हर जगह पर वो कितनी है, 500 मंदिर की चौड़ाई है। तो इसका वर्णन हमने इस प्रकार से देखा। इस बंदिश के रोस के ऊपर में भी घाट के वृक्ष आते हैं, परंतु विशेषता क्या है, बड़े वन के वृक्षों की है। घाट के वृक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से, अब मैं इसको और जूम करके आपको बताती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे बड़े वन के वृक्ष आए हुए हैं ये सारे, तो 4 बड़े वन के वृक्षों के बीच में चौक तैयार होगा। चौक के बीच बीच में घाट के वृक्ष अपने दो दो मंदिर की चौड़ाई छोड़ छोड़ करके, जिस प्रकार यहाँ हमने समझा था इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है। तो सुंदरसार जी, इस बंदिश की रोस के ऊपर भी घाट के वृक्ष आए हुए हैं, और बंदिश की रोस से अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अब चढ़ते हुए जाना है। कहाँ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ हमको जाना है। चढ़ेंगे किस तरह, तो जब हम यहाँ घाट के अंदर थे तो ये बगीचे की जमीन 3 सीढ़ी नीचे होती है, बंदिश की रोस की जमीन ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर आ जाती है, इस प्रकार इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। जब बंदिश की रोस से अब आपको और पूर्व दिशा में जाना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पाल की रोस का आप दर्शन कर रहे हैं, जिसके बीच में मैंने पॉइंटर रखा हुआ है। तो ये पाल की रोस जो है वो तो बंदिश की रोस से 3 सीढ़ी और ऊंचाई पर है। तो सुंदर सां जी, जब बंदिश की रोस से पाल की रोस में आपको आना है तो हमें क्या करना है, 3 सीढ़ी चढ़ना है, और चौड़ाई के अनुसार यदि आप देखो तो ये पाल की रोस की चौड़ाई 250 मंदिर की आ जाती है। अब पाल की रोस ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि रोस एक रास्ता है, ये रास्ता पार करके आप जाएंगे पाल के ऊपर में, यहाँ पर है ये पाल है। तो इस पाल के ऊपर जाने के लिए जो रास्ता पहले आपको मिल रहा है वो कहलाता है पाल की रोस। और पाल की रोस के ऊपर में भी सुंदरसा जी घाट के वृक्ष तो आए हुए ही है। कितनी कितनी दूरी पर है, दो दो मंदिर की दूरी के ऊपर में आ जाते हैं वृक्ष, जैसे ठीक वैसे ही समझिए जैसे यहाँ आपने घाट के अंदर समझा था, वैसे ही ये 500 मंदिर जो घाट की चौड़ाई है उसे पाल की रोस के ऊपर में समझना है यहाँ पर। तो जिस तरह से ये अमृत का घाट हुआ
उसके सामने 500 मंदिर की जगह में यहाँ पर पाल की रोंस के ऊपर में अमृत घाट के वृक्ष ही आएंगे। इसी तरह अब ये अनार का घाट है, तो अनार के घाट के 500 मंदिर की जो चौड़ाई है उसके ठीक सामने या पाल की रोंस के ऊपर 500 मंदिर में अनार के ही वृक्ष आएंगे। तो हर घाट के सामने, ये केल के घाट के सामने केल के ही वृक्ष आएंगे घाट के। दो दो मंदिर की दूरी के ऊपर में यहाँ पर ये सारे वृक्ष, केल, लिम्बोई, अनार और फिर इसी तरह अमृत वन, फिर इसी तरह से नारंगी वन, जांबू वन और जो बटघाट आया हुआ है दक्षिण दिशा की तरफ में, वो सारे वन ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं पाल के रोंस के ऊपर में। तो ये पाल के रोंस से भी जब हम गुजरते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, घाट के वृक्ष मिलेंगे, अलग अलग सातों घाट के वृक्ष मिल जाएंगे। अब सुंदर शाह जी, ये जो पाल के रोंस से अब हमें जाना है और आगे पूर्व दिशा में। तो जब आप पूर्व दिशा में आते हैं तो सुंदर शाह जी ये पाल को आप देख रहे हैं। पाल यानी एक चबूतरा है। गौर से ध्यान देकर के इसका वर्णन श्रवण कीजिए कि जो घाट से हम पहले आ चुके बंदिश की रोस में, तो तीन सीढ़ी चढ़ाए हैं, बंदिश की रोस से तीन सीढ़ी चढ़े तब पाल की रोस के ऊपर में आए हैं। अब पाल की रोस से तीन सीढ़ी और चढ़ जाइए तो आप पाल के ऊपर में आ जाते हैं। तो साथ जी बंदिश की रोस से छह सीढ़ी ऊंचाई के ऊपर में ये पाल आ जाती है। तो इसकी इतनी ऊंचाई यहाँ पर हमें कही हुई है। सुंदर शाह जी आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए, जिनका आवाज आ रहा है। तो अब हम यहाँ पाल के ऊपर में आ चुके हैं और इस पाल के ऊपर में बहुत बड़ी भारी शोभा है और विशेष बातें हैं। तो इस विशेष बात को, इस शोभा को हमें यहाँ पर समझना है। साथ जी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसार सागर के अंदर ब्रह्मा आत्माएं उतर गई और ये ब्रह्मा आत्माएं सह शरीर परमधाम के शरीर के साथ में नहीं आई है, उनकी मनरूपी सूरता संसार में आई। संसार के अंदर में उन्होंने अलग अलग देह को धारण किया हुआ है। सब्जी नहीं है, तो यहाँ पर ये ब्रह्म आत्माओं ने अलग अलग शरीर को धारण किया है। तो इस प्रकार से सारे जो यहाँ संसार की जीव सृष्टियां है, वो जीव सृष्टि और परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि कहें या ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर धाम से आई है उनकी बात कहें, सब कोई आप देखोगे तो एक ही प्रकार के शरीर, पंच तत्व के बने हुए शरीर के अंदर में ही उतरी है। कोई पता नहीं लगा सकता कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी, कौन जीव सृष्टि है। तभी तो यहाँ कहा, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन होए। ये सब इसीलिए मैंने आपको बताया, पाल के ऊपर जो वृक्ष आए हैं ना, ये सारे वृक्ष को भी इसी प्रकार से हमें समझना है। पाल के ऊपर दो तरह के वृक्ष हैं, बड़े वन के वृक्ष भी हैं एवं घाट के वृक्ष भी आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पाल की जो खूबी कहें, सुंदरता कहें, वो ये है कि जो यहाँ के बड़े वन के वृक्ष भी हैं, ये वृक्ष घाट के वृक्ष की तरह तदोगत लगते हैं। हम पहचान ही नहीं पाएंगे
कि बड़े वन के वृक्ष कौन से हैं, घाट के वृक्ष कौन से हैं, क्योंकि देखने में बड़े वन के वृक्ष ने घाट के वृक्ष का तदोगत रूप धारण किया हुआ है। तो सात जी, अब बड़े वन के वृक्ष और घाट के वृक्ष की पहचान कैसे हो? ये तो वैसी ही उलझन है जैसे संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि कौन, ईश्वरी कौन, और सत्य और झूठ की जो पहचान है वो नहीं हो पाती है। इसी प्रकार घाट के वृक्ष, बड़े वन के वृक्ष एक समान लगते हैं पाल के ऊपर में, एक ही अंतर यहाँ नजर आता है। इसकी चर्चा हम करेंगे कि वो एक अंतर कौन सा है। मैं आपको अंतिम में यह प्रश्न सुलझाने के लिए समय दूंगी जिसमें आप आंसर कर सकें। तो अभी से मैंने आपको प्रश्न पूछ लिया है कि पाल के ऊपर में बड़े वन के वृक्ष भी आए हैं, घाट के वृक्ष भी आए हैं। बड़े वन के वृक्ष और घाट के वृक्ष बिल्कुल तदोगत लगते हैं, एक समान लगते हैं, लेकिन अगर हमें उनमें से पता करना है कि कौन से घाट के वृक्ष हैं, कौन से बड़े वन के वृक्ष हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो इस बात का जवाब इस सेशन के अंतिम होने से पहले आप मुझे देंगे। तो इससे अब हम पाल के वर्णन को पहले यहाँ समझते हैं। ये रही पाल। पाल की चौड़ाई 250 मंदिर की कही गई है, और ये संपूर्ण जो पाल है उसके ऊपर 5 की 11 हार बड़े वन के वृक्ष की आती है। सुंदर सा जी, इनके 55 वृक्ष हो जाते हैं। चौड़ाई में 5 वृक्ष कहे हैं, लंबाई में 11 वृक्ष कहे हुए हैं। ये तो एक घाट के सामने का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार हर घाट के सामने 5 चौड़ाई में, लंबाई में 11, 55 वृक्ष यहाँ पर हो जाते हैं बड़े वन के। हर घाट के सामने 55-55 वृक्ष बड़े वन के आ जाते हैं। अब वृक्ष तो आए हैं और उनके बीच बीच में आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, 5 के बीच में क्या हो रहा है, 4 चौक बन रहे हैं। जैसे यहाँ आपको जूम करके बताएं, ये 5 वृक्ष चौड़ाई में जो है तो उनके बीच बीच में 4 चौक बन जाते हैं। जो 11 वृक्ष लंबाई के अंदर आए हुए हैं उनके बीच बीच में 10 चौक बन जाते हैं। तो यहाँ पर खूबी है कि 40 चौक बन गए। ये 40 चौक के अंदर ही सुंदर सा जी, हर एक चौक में, अब यहाँ तो नक्शे के रूप में आप देखोगे कि जगह छोटी सी नजर आती है, मगर वास्तव में देखा जाए तो ये प्रत्येक चौक 50-50 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो इस तरह से 4 चौक बने हैं चौड़ाई के अंदर में, जिनके 200 मंदिर हो गए हैं। लेकिन पाल की चौड़ाई 250 मंदिर है, यहां से यहां 200 मंदिर तो 4 चौक की जगह ने बना लिए। तो यहां पर किनार में और इस तरफ की किनार में 25-25 मंदिर की जगह शेष रहती है। तो यहां भी किनार के अंदर में भी चौक बनते हैं जिनकी चौड़ाई है 25 मंदिर की। अब सुंदर सा जी, ये चौक बताने का महत्व क्या है कि ये चौक के अंदर में वृक्ष आते हैं घाट के। केल घाट बन गया, नारंगी घाट बन गया, अमृत वन बन गया। तो इस प्रकार हर एक चौक के भीतर में आप देखोगे तो 24 की 24 हार जिनके होते हैं 576 वृक्ष, घाट के नाम वाले वृक्ष इन चौक के अंदर में आते हैं। ये कितनी सुंदर शोभा है अगर हम इसको विचार करें, अपने दिल की आंख खोल करके इस वर्णन के आधार पर चितवनी जब हम करते हैं, हम पाल के ऊपर खड़े हैं
और इस पाल के ऊपर आप देख रहे हैं 40 चौक एक एक घाट की हद में बना हुआ है। पुनः दूसरे घाट की हद में 40 चौक यहाँ बने हुए हैं। 40 चौक मध्य के बनते हैं, इसी तरह किनार के भी 10 चौक यहाँ 10 चौक इस तरफ में बनते हैं। कुल जमा 60 चौक का वर्णन आता है, मगर 40 चौक जो बड़े वाले कहे हैं 50 मंदिर के लंबे चौड़े, किनार के अंदर जो 10-10 चौक बनते हैं ये उनसे आधे ही हैं। जैसे 25 मंदिर के लंबे हैं और 12 मंदिर के चौड़े हैं, इस तरह से यहाँ पर किनार के चौक। तो यहाँ पाल की विशेषता ये है कि एक तो यह 6 सीढ़ी की ऊंचाई पर है और उसके ऊपर में जब बड़े वन के वृक्षों की शोभा के साथ साथ में घाट के वृक्षों की जब शोभा बनती है तो ये शोभा अत्यंत मनमोहक और हृदय को स्पर्श करने वाली बन जाती है। क्योंकि वैसे ही हरियाली को देखना तो हमें इतना पसंद होता है, मन ऐसे ही प्रफुल्लित हो जाता है, और जब उसके साथ साथ घाट के वृक्ष सहित बड़े वन के वृक्ष की शोभा हो जाए तो सोने में सुगंध हो जाता है। तो ये पूरे पाल के ऊपर 7 घाट यहाँ पे आए हुए हैं। इन 7 घाट का वर्णन सुंदर सा जी हम आपने दर्शन किया। अब आज के सेशन के माध्यम से बंदिश की रोस, फिर उसके बाद पाल की रोस, फिर उसके बाद हम पाल के ऊपर चढ़ चुके हैं। लेकिन ये पाल के ऊपर यहां से अब आपको जाना है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में आप जमुना जी को बहता हुआ देख रहे हैं। ये जमुना जी और ये पाल के बीच में यहाँ देखो तो क्या है, श्री जमुना जी का तट आया हुआ है। ये जमुना जी का तट अत्यंत सुंदर रेती कणों से सुशोभ्यमान है। हे सुंदर साजी, इस माया के अंदर रात दिन हम व्यतीत कर रहे हैं और महामती श्री प्रेरणा जी रात दिन हमारी इस मनरूपी सुरता को परम धाम के अंदर फिराने का प्रयास वाणी के द्वारा कर रहे हैं। तो धाम धनी यहाँ पर कहते हैं, इस तट को आप याद कीजिए। आप पाल से 3 सीढ़ी उतर गए तो तट के ऊपर में आके खड़े हो जाएंगे। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत हैं, रेत उड़ावे पाऊं छाटे। साथ जी अपने इस परम धाम की लीला का चितवन कीजिए, इसे दिल में ठोस रूप से आप बिठा लीजिए। बहुत रेती है इस जमुना जी के तट के ऊपर में, और वो रेती भी ऐसी है जैसे हम जुहू बीच आदि के ऊपर जब जाते हैं, दरिये किनार के ऊपर जब जाते हैं, तो वहाँ पर कैसी रेती होती है जो फिसल जाती है, उसके ऊपर दौड़ने लग जाओ तो पैर उसके अंदर में धस जाता है, निकलने नहीं पाता है। तो यहाँ तरह तरह की रामते सखियाँ खेलती हैं और दौड़ दौड़ करके इस रेती के ऊपर में गुलाटे भी मारती जाती हैं, कूदती हैं, ठेका लेती हैं, हर प्रकार से रामते करती हैं। और जैसे छोटे बालकों को आनंद आता है कि वे अपने पैरों से उस रेती को हवा में उड़ाते हैं, एक दूसरे की तरफ ठेलते हैं, ऐसी ऐसी कई रामते श्री जमुना जी के तट के ऊपर में सखियां करती हैं। तो ऐसा सुंदर श्री यमुना जी का जो तट है उसकी शोभा का कुछ एक वर्णन हमने देखा, लेकिन और भी बहुत सी शोभाएं और लीलाएं इस यमुना जी के तट के ऊपर खड़े होकर के हम आने वाले सप्ताह में भी देखेंगे। अब सिर्फ चितवनी के माध्यम से पूर्ण करने के लिए सामने पाट घाट को निहारिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुंदर सा पाट घाट जहाँ खड़े होकर के झीलना करते हैं श्री जमुना जी के अंदर में। तो सुंदर सा जी
यहाँ आज की मजल को हम रखते हैं जो प्रश्न आपसे पूछा है। आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आप जिस किसी को भी उत्तर देने की इच्छा हो आप उत्तर दीजिए कि पाल के ऊपर में जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं और जो घाट के वृक्ष आए हुए हैं, इन दोनों के अंदर असलियत में देखो तो कौन सा फर्क नजर आता है? क्योंकि रूप के माध्यम से देखा जाए तो कोई भी फर्क नजर नहीं आता। आप में से जिनकी भी इच्छा हो आप इस बात का जवाब देंगे। सुंदर साह जी, हाँ जी आप, हाँ बोलिए। रक्षा बहन प्रणाम। प्रणाम। भूमभर की ऊंचाई का फर्क है, भूमभर अंदर के छोटे जो घाट के वृक्ष है वो दो गोम तीसरी चांदनी है, और बड़े वन के वृक्ष जो घाट के नाम के उसकी पांच गोम छठी चांदनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही फर्क अंतर सुंदर सा जी है कि घाट के वृक्ष दो भौम और तीसरी चांदनी है, और जो बड़े वन के वृक्ष की पांच भौम छठी चांदनी है। हालांकि दिखने में तो दोनों एक समान है, यही अंतर संसार के अंदर में आई हुई ब्रह्म सृष्टि का, ईश्वरी सृष्टि का और जीव सृष्टि का है कि सभी एक रूप के होने के बाद भी सबके चलन व्यवहार के अंदर, कौल फैल हाल के अंदर फर्क है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का कौल फैल हाल परम धाम संबंधी है, ईश्वरी सृष्टि का कौल फैल हाल अक्षर धाम संबंधी है, और बचे जीव जो इबलिस के ताबे हैं, मन के ताबे हैं, इनका कौल फैल हाल दुनिया और यहाँ के जो नश्वर इष्ट हैं उनके ताबे रहता है। तो इसी कौल फैल और हाल से, चलन व्यवहार से ब्रह्म सृष्टि की पहचान इस संसार के बीच में होती है। ठीक वैसे ही जैसे बड़े वन के वृक्ष की ऊंचाई के कारण उनकी भी पहचान पाल के ऊपर में की जाती है। तो ये सुंदर सा वर्णन और इस पाल की विशेषता को हमने देखा है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि समय हो रहा है तो हम जयकारे के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।